नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलो इज में पैशन पे फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने सोलो कुकर का फर्स्ट वीडियो भी देखा होगा, जहाँ पे काबरा साहब ने हमें इस नायाब सोलो कुकर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। इस वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे वो सोलो कुकर है क्या, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और उसमें सही में 30 मिनट्स में खाना बना सकते हैं या नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें, अच्छा लगे तो खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह दें। तो हम सीधा अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रोडक्ट को, कंपोनेंट्स को। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो एंजॉय किया था और उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। अगर कोई जानकारी आप और चाहते हैं तो आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी कि आपसे दोबारा इंटरेक्ट कर सके। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो सोलर कुकर है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके वेरियस एप्लीकेशंस क्या है ना। तो आइए पहले जानते हैं कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये पैक्ड कंडीशन में आपको सोलर कुकर इस तरह से आता है। ये इसका बेसिक प्लास्टिक फ्रेम है, इसके साथ 3 यूटेंसिल आते हैं, एक थर्मल स्टोरेज, इसके 2 ग्लव्स और ये इसका रिफ्लेक्टर है। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को समझ लेंगे और वो किस चीज़ से बना हुआ है ये भी समझ लेंगे। तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं। ये रिफ्लेक्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कांच की तरह चमक रहा है, बट ये कांच का नहीं बना हुआ है। दिस इज़ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर जो काफ़ी स्ट्रांग है और रिफ्लेक्टिविटी इसकी जितनी अच्छी रहेगी उतना कुकर का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। तो इसे हमें सिर्फ साफ रखना है और साफ बड़े आसानी से हम लोग इसको रख सकते हैं। एक मुलायम कपड़ा या फिर पानी से हम लोग इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर का काम है कि जितनी सूरज की रोशनी यहाँ पर गिरेंगी वो एक जगह पर केंद्रित करना है। तो अगर वो प्रॉपरली केंद्रित हो गई तो वहाँ पर हम लोग हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्टर से खाना नहीं पकता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि रिफ्लेक्टर के साथ हमें एब्जॉर्बर और इंसुलेटर, ये दोनों चीज़ें भी लगती है ताकि हम लोग सनलाइट को हीट में कन्वर्ट कर सकें। तो इस केस में, इस कुकर में एब्जॉर्बर और इंसुलेटर ये दोनों एक ही है। ये जो आप देख सकते हैं ये ग्लास की ट्यूब है, इसमें ऊपर की जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अंदर की जो लेयर है वो ब्लैक कलर की है और दोनों के बीच में वैक्यूम है। अंदर की जो लेयर है वो ट्रिपल कोटिंग है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। और वैक्यूम जो है, जो हमने पहले भी समझा था कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर, है ना। तो जो अंदर लाइट हीट करेंगी और उससे हीट प्रोड्यूस होंगी वो वैक्यूम की वजह से बाहर नहीं जा पाएंगी और फिर वो हीट अंदर जाएंगी, जिसमें हम लोग ट्रे रखेंगे और यूटेंसिल रखेंगे और उसमें हम लोग भोजन बना सकते हैं। तो हमें सभी को पता है कि रिलेटिव टू अर्थ सन की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो सूरज की दिशा जिस तरह से चेंज होती है उस दिशा में हमें सोलर कुकर को भी एडजस्ट करना होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टर हम लोग देख रहे हैं ये मूवेबल है, इसको हम लोग ट्यूब के अराउंड मूव कर सकते हैं, है ना। और उसकी सहायता के लिए इसके लिए एक स्टेनलेस स्टील का रिंग दिया हुआ है और ये भी एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट है जिसके ज़रिए हम लोग इसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान काम है। प्लास्टिक का स्टैंड आप देख सकते हैं, तो ये वही प्लास्टिक है जो हम लोग वाटर टैंक्स में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। इसको हम लोग यूवी प्रोटेक्टेड करते हैं ताकि 20 साल में ये प्लास्टिक ब्रेक ना हो। अभी कुकर का मूवमेंट, क्योंकि हर कोई इसे टेबल पे नहीं रखेगा, काफ़ी बार हम लोग इसको टेरेस पे, ज़मीन पे रखते हैं, तो इसे चारों तरफ से व्हील्स दिए हुए, जैसे कैस्टर व्हील्स बोलते हैं, ताकि इसको कहीं भी लाने ले जाने में या रोटेट करने में आप आसानी से कर सकते हैं। इस पूरे यूनिट का वेट जो है, वज़न जो है वो 15 किलो है, तो आसानी से आप दोनों हाथों से इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अभी कुकिंग करने के लिए इसमें हम लोग एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल देते हैं। एल्यूमिनियम क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, और वज़न में भी अगर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील या आयरन के कंपेरिजन में एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। तो जितना यूटेंसिल का खुद का वज़न कम और जितनी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, उतना वो सोलर कुकिंग के लिए बेटर होता है, क्योंकि हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और जल्दी से जल्दी खाना पकता है। और एनोडाइजिंग होने के बाद कोई भी फूड का एक्चुअली मेटल के साथ कांटेक्ट आता ही नहीं है, तो वो जो मिथ है कि एल्यूमिनियम में खाना नहीं पकाना चाहिए, वो इसमें नहीं आता है। तो ऐसे 3 यूटेंसिल हम लोग इसमें रख सकते हैं एक साथ। दाल, चावल, सब्जी आप पका सकते हैं या जो भी आपको पकाना है, सिंगदाने पकाना है, केक बनाना है या फिर चिकन मटन बनाना है, वो सब हम लोग ये 3 यूटेंसिल जो 1-1 लीटर की उनकी कैपेसिटी है उसके ज़रिए फुलफ़िल कर सकते हैं। तो अभी ये यूटेंसिल्स तो हम लोग साथ में देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये ही यूटेंसिल यूज़ करना है,
इस ट्यूब में जो भी यूटेंसिल आपके पास है प्लास्टिक को छोड़ के, फिर वो ग्लास का हो या चीनी माटी का हो या स्टेनलेस स्टील का हो, अगर वो इस ट्यूब में जाता है तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये जो सोलर कुकर है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 300 डिग्री तक जा सकता है बिना कोई फूड लोड किए। ये तो अभी प्योरली डिपेंड करता है कि सोलर इंटेंसिटी कितनी अच्छी है और कितना स्ट्रांग है, वेदर कितना क्लियर है, बट 300 डिग्री तक ये आराम से जा सकता है। फूड पकाने का जो है वो अलग अलग फूड के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर आप बॉइलिंग करना है दाल चावल सब्जी तो आपको 100-120 डिग्री भी सफिशिएंट होता है। तो लिक्विड फूड जब हम लोग इसमें रखते हैं तो जो पानी का कंटेंट है वो इसके अंदर का टेम्परेचर गवर्न करता है। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बेक करना है तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो है वो उनका रिक्वायरमेंट ही होता है कि ओवन का जो टेम्परेचर है वो 150 से 180 डिग्री हो, तो वो टेम्परेचर इसमें हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। अभी ये समझना कि इसमें वो तापमान आया है या नहीं आया है, इसके लिए अलग से एक टेम्परेचर गेज आता है जो हम लोग इसमें इंसर्ट करके रख सकते हैं और उसका डिस्प्ले हम लोग देख के ये तय कर सकते हैं कि इसमें हम लोग आज बेक करें या ना करें। ठीक है, इसके साथ ही बारबेक्यू जो होता है तंदूर पनीर या पनीर टिक्का वगैरह बनाने के लिए, उसके लिए भी 180 के ऊपर का टेम्परेचर लगता है, तो वो इसमें आराम से अचीव हो जाता है। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की जो रेसिपीज़ होती है, नॉर्मली बॉयलिंग, बेकिंग और रोस्टिंग, इसके हम लोगों ने अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं जो इसी कुकर के साथ हम लोगों ने कुक किया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे वो आप फॉलो करके देख सकते हैं। तो काफ़ी बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि सोलर कुकर है तो क्या हम लोग धूप में इसको सोलर कुकर को बार बार ऊपर नीचे लेके जाए, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कुकर तो हमेशा धूप में रहेगा, सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ यूटेंसिल्स जो है वो ऊपर नीचे कैरी करना है। तो आप किचन में गए, आपके यूटेंसिल में आपको जो पकाना है दाल चावल सब्जी वो इसमें आपने भर लिया और इसको आप ऊपर लेके आके कुकर में ओवन में लोड कर सकते हैं। अभी ओवन का अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जब हम लोग इसको अनलोड करेंगे, मतलब जब भोजन पक गया है और यूटेंसिल वापस बाहर निकालेंगे, तो इसका तापमान 120-130 डिग्री हो सकता है, विच कैन क्रिएट स्किन बर्न्स। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इसके साथ आप ग्लव्स यूज़ करिए ताकि आपके स्किन को कोई इंजरी ना हो, डैमेज ना हो। तो हम लोग ऐसे ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये काफ़ी थिक है और इससे काफ़ी सेफ्टी अटेन हो सकती है। आप चाहे तो ओवन मिट्स जो रेगुलरली माइक्रोवेव के साथ यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। अब आते हैं इसके सबसे यूनिक एस्पेक्ट पे। आमतौर पे ये हमारी भावना होती है कि सोलर कुकर जो है वो सनसेट के बाद खाना नहीं पका सकता क्योंकि रात में सूरज होता ही नहीं है, बट इस कुकर के साथ हम लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है। इसका एक यूनिक हिस्सा है थर्मल स्टोरेज डिवाइस। हम लोग देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोपहर की जो उष्णता है 2 से 5 की, वो नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते। 2 से 5 में यूजुअली कोई खाना नहीं पकाता और उस समय सूरज की रोशनी बहुत प्रखर होती है, तो क्यों ना इस ऊर्जा को हम लोग स्टोर करें और शाम में जब हमें डिनर पकाना है तो हम लोग उसे यूज़ करें। इसी के लिए हम लोगों ने ये एक यूनिक एलिमेंट डिज़ाइन किया है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल बैटरी, है ना। तो ये कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन भी नहीं है। इट्स अ प्योर थर्मिक टेम्परेचर स्टोरेज डिवाइस जो 220 डिग्री पे हीट को स्टोर करके रखता है। और ये जो एलिमेंट है ये हम लोग इसके ट्यूब के अंदर डालते हैं और इसके ऊपर फिर हम लोग यूटेंसिल रखते हैं। तो होता ये है कि दोपहर में या एनी टाइम जब सूरज स्ट्रांग है तो पहले ये हीट होता है, तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ते जाता है और फिर ये एक बार हीट होने के बाद में 3 घंटे तक कुकेबल टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री से ऊपर ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ताकि आप आसानी से इसमें कभी भी खाना पका लो। मतलब शाम में आप 5 से 8 के बीच में एक बार तो भोजन पका ही सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा एडवांटेज जो होता है वो ये है कि अगर क्लाउडी वेदर है, जैसे बारिश के दिनों में बहुत बार बारिश नहीं गिरती है बट बादल आते जाते रहते हैं, तो उस वेदर में अगर हम लोग नॉर्मल सोलर कुकर में खाना पकाने जाए तो शायद वो कच्चा रह जाएगा। बट इसमें इस डिवाइस की वजह से, क्योंकि एक टेम्परेचर पे ऑलरेडी आ चुका है, तो जब हम लोग क्लाउडी वेदर में भी खाना पकाएंगे तो इसमें भोजन पक जाएगा। तो ये इसका एक यूनिक एडवांटेज है जो शायद पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने पहली बार इसमें करने की कोशिश की है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसे एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, अलग अलग जो कंपोनेंट्स इसमें अंदर जाते कहाँ हैं और फिर फाइनली हम लोग उसमें कैसे लोड करेंगे। तो जैसा कि पहले भी बताया, जब भी हम लोग इसके अंदर के एलिमेंट को यूज़ करेंगे या हैंडल करेंगे तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। तो हम लोग ग्लव्स पहनेंगे और ग्लव्स पहनकर ही
इसके बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, यूटेंसिल्स है और इवन थर्मल स्टोरेज है, उसको हैंडल करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ओवन का हमारा ओपनिंग है वो यहाँ से है, इसी में कुकिंग ट्रे है, इसी के अंदर हमारा थर्मल स्टोरेज और यूटेंसिल जाएंगे। इसका ओवरऑल डायमीटर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अंदर का डायमीटर 145 mm है और टोटल लेंथ 950 mm की है। तो इस स्पेस में जो भी आपके यूटेंसिल्स बैठ सकते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक को छोड़ के, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये इसका कुकिंग ट्रे है, ये भी एनोडाइज एल्यूमिनियम का है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ लार्ज क्वांटिटी में कुक करना है, जैसे मूंगफली रोस्ट करना है या रवा आटा रोस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं। इसके लिए आपको वेसल की ज़रूरत नहीं है। तो लार्ज क्वांटिटी में एक साथ तकरीबन 1.5 kg आप इसमें कुक कर सकते हैं। और अगर ये कभी इसमें स्पिलेज होता है, कुछ पानी वानी गिर गया या फूड गिर गया, तो ये आसानी से बाहर निकाल के आप आपके रेगुलर डिश वॉशर से क्लीन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो थर्मल स्टोरेज है, ये इसके सबसे नीचे की तरफ जाता है। तो इसमें पहले थर्मल स्टोरेज गया, तो थर्मल स्टोरेज के बाद इसके ऊपर हमारा कुकिंग ट्रे जो है वो स्लाइड होगा और इसी ट्रे में हम लोग ये तीनों यूटेंसिल डाल सकते हैं। यूटेंसिल में आपको जो भोजन रखना है तो वो हम लोग इसमें डाल के इसको तीनों को अंदर बैठा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये तीन यूटेंसिल जाने के बाद भी कुछ स्पेस इसमें बची हुई है। ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं अगर आपकी कटोरी में आपको कुछ और करना है, तीन चीज़ें पक रही है उसके साथ कुछ आपको रोस्ट करना है, तो आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद इसको बस प्यार से बंद करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, आराम से इसको बंद कर दिया। और यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग है, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि फूड कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको आपने फूड अंदर लोड कर दिया, सन की तरफ प्रॉपरली एक्सपोज कर दिया, 20-25 मिनट के बाद जब आप इसको देखेंगे, अगर फूड कुक हो रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ वेपर्स नज़र आएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स देखेंगे, जो एक पहला इंडिकेशन होता है कि कुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में। दूसरा इंडिकेशन जो हमेशा हमें नेचुरली फील होता है वो है एरोमा का, खुशबू का, जो हमें नेचुरली समझ में आता है। और तीसरा, उसके बाद भी अगर हमें जज करना ही है तो हम लोग दोबारा इसको खोल के सिर्फ इस तरीके से देख सकते हैं विजुअली कि खाना पका है या नहीं पका है। दोबारा मैं बोलूँगा कि जब भी इसको हम लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया कि आप एक साथ दाल चावल सब्जी तीनों पका सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक नेचुरल एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ में कि दाल जो है उसको पकने के लिए काफ़ी समय लगता है, चावल उससे जल्दी पकते हैं, और अगर वो हरी हरी सब्जी है जैसे पालक है मेथी है, वो तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो उस केस में क्या करें? तो भी जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर जो आता है वो अंदर की तरफ आता है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर बाहर की तरफ होता है ना। तो जो चीज़ पकने में ज़्यादा समय लेती है उसे हमें अंदर की तरफ लोड करना है, और जो चीज़ सबसे पहले पकेंगी उसे हमें बाहर की तरफ लोड करना है। तो इसी को अगर मैं फिर से खोलूँ और देखे, तो ये जो सबसे अंदर का वेसल है इसमें हम लोग दाल पकाएंगे, इसमें चावल और इसमें सब्जी, और इन तीनों को जब आप एक साथ लोड कर दोगे तो ये तकरीबन आधे घंटे के समय में तीनों एक साथ पके हुए आपको मिलेंगे, कोई भी एक चीज़ ओवर कुक नहीं रहेगी। तो ये इसकी एक खासियत है, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से हम लोग उसे आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जब भी हमने इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो आपको समझ आई होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट अभी भी बाकी है तो डेफिनेटली आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके उस क्वेरी को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अब रही बात कि इस कुकर में क्या क्या पक सकता है, कैसे पक सकता है, इसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। हमने अलग से दिखाया है कि भाई दाल चावल सब्जी एक साथ कैसे पकाई जा सकती है, चिकन मटन या रोस्टिंग, केक, ब्रेड, ढोकला, रवा, ये सब कैसे बनाया जा सकता है, ये इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करें, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और लोगों को भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह दें। तो काबरा साहब, हम आपके फिर से आभार मानते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और इस नायाब प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। दोस्तों, काबरा साहब एक गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं, आप भी ऐसा कुछ नायाब और कामयाब काम कर सकते हैं इस फील्ड में।